एक्टर्स के लिए नेटफ्लिक्स की फीचर फिल्म के लिए अपडेट सामने आई है, तो चलिए आपको बताते हैं ये अपडेट कौन सी जगह के एक्टर्स के लिए। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आपको बार बार ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि काफी सारे ऑडिशन अपडेट्स आते हैं। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया है, कब आपको मिल रहा है, तो आप कैसे टाइम पर पहुंचोगे। तो इसीलिए मैं खास करके अपने ऑडिशन अपडेट में तो बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम पर ऑडिशन अपडेट मिल जाए तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सही टाइम पर वो अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना इंतजार करवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं द कास्टिंग जोया। तो ये जो अपडेट सामने आई है वो एंटी कास्टिंग की तरफ से नेटफ्लिक्स की फीचर फिल्म के लिए और दिल्ली के एक्टर्स के लिए। इस वक्त काफ़ी सारे शूट्स हो रहे हैं दिल्ली में और काफ़ी सारी कास्टिंग कंपनी की टीम्स जो है दिल्ली में पहुँच रही है। पिछली जो अपडेट दी थी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में ये लोग मतलब ग्रीट और मीट कर रहे हैं, एक्टर्स से मिल रहे हैं जा करके और इनका इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं, तो वो चीज़ हुई। लेकिन एक जनों ने मुझे मैसेज करके बताया था कि मैंने श्री राम सेंटर में कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर कोई भी टीम नहीं आई है। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरी तरफ से जो भी ऑडिशन अपडेट मैं आपको देती हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जेन्युइन हो। ऐसे तो देखिए इतनी सारी मतलब कास्टिंग कंपनियाँ हैं, इतने सारे प्रोडक्शन हाउस है, ना जाने कहाँ कहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैं हर जगह की इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यार ये फेक है, कैसे लोगे और आप कहीं पर जाकर के फंस जाएं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक के उन्हीं लोगों की डिटेल पहुंचाऊं जो कि जेन्युइन है। तो जैसे कि आपने बताया कि यार श्रीराम सेंटर वाले बोल रहे हैं कि कोई टीम नहीं आई, अगर टीम आई भी होगी तो उनको क्या पता, और टीम वहां थोड़ी ना रहेगी, आकर के होटल में रुकेगी, फिर वो ऑडिशन प्रॉपर करेगी, जो भी करना है उनको उन्होंने बताया, तो ऑफकोर्स वो पहुंचेंगे। और वो लोग पहुंचे भी थे, वहां पर हमारे भी कुछ लोग थे जिन्होंने वीडियोस वगैरह बनाए हैं कि कितनी सारी भीड़ थी, कितने सारे एक्टर्स आए थे जिनके प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिए गए। और कुछ सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं उन्होंने मुझे खुद भी मैसेज किया है कि मैं इंट्रोडक्शन देकर के आया हूँ, तो वहां पर इंट्रोडक्शन हो रहे थे। तो आप मतलब जानने से पहले ही चीज़ें जज कर रहे हो कि मतलब आप इसको मैं कह सकती हूँ कि ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, बुरा मत मानना। लेकिन गाइज काफ़ी बार अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, मैंने अभी तक के ऐसा कुछ किया नहीं है कि मतलब मैं अपने फ़ायदे के लिए कि कुछ भी मैं अपडेट कर दूं या कुछ भी ऐसे कर दूं, मैं नहीं करती हूं। मैं इस वक्त जो काम कर रही हूं, कोशिश मेरी ये है कि मैं एक्टर्स की हेल्प कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं। तो आई होप कि इतने मतलब 2020 से वीडियो बना रही हूं कि आप मेरे ऊपर इतना तो ट्रस्ट करिए ही करिए। तो अभी ये जो अपडेट आई है, काफ़ी ज़्यादा भाषण होगी, सॉरी, ये सब बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे लोग पहले ही जज कर लेते हैं और ऑडिशन अपडेट वगैरह के लिए जो भी मैं देती हूँ कुछ लोग नहीं जाते हैं, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। आप में इतनी समझ है, अगर कुछ गलत होगा तो आप अपने साथ गलत होने नहीं दोगे। अगर कुछ आप कहीं पहुंच भी जाते हो तो आपको इतनी तो समझ होगी, लेकिन मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगी कि आप एक जेन्युइन लोगों के पास ही पहुंचो। तो ये जो अपडेट सामने आई है एंटी कास्टिंग की तरफ से, इनको चाहिए रशियन मेल और फीमेल एक्टर जिनकी उम्र होना चाहिए 20 से 50 साल के बीच, इंडियन एक्टर चाहिए मेल और फीमेल दोनों जिनकी उम्र होना चाहिए 30 से 60 साल के बीच, अफगानी मेल और फीमेल चाहिए 20 से 50 साल के बीच। अगर आप दिल्ली में हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो ये 19 तारीख से इन्होंने पीपल यानी कि एक्टर्स से मिलना स्टार्ट किया है, आज है 20 तारीख, तो 4 दिन आपके पास और है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जाइएगा, आपको एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 12 से 6 का टाइमिंग है, 19 तारीख से इन्होंने स्टार्ट किया था, 19 सितंबर से 24 सितंबर तक के ये लोग मिलने वाले हैं एक्टर्स से। तो गाइज जो मैंने आपको अपडेट दी है, जो लोग फिट होंगे बस वही लोग जाएंगे, अगर आप फिट नहीं है तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि बड़ी कास्टिंग कंपनी है, प्रोफेशनल लोग हैं, तो ऐसे आप भीड़ में मतलब सोचे कि चलो हम भी चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, ऐसा मत करिएगा। साथ ही टाइम पर जाइएगा, इंट्रोडक्शन अपना तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी वो लोग ले लेते हैं, अगर उनको लगता है कि ये हाँ फिट लग रहा है तो वो आपका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं और फिर बाद में आपको बुला सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन देख के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।